कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगी, जहां वो गुरु रविदास जयंती समारोह में शामिल होंगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार प्रियंका रविवार दोपहर वाराणसी पहुंचेंगी और फिर गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके बाद वो गुरु रविदास जयंती समारोह में शामिल भी होंगी। प्रियंका गांधी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसके लिए संगठन को धार देने में भी जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 1989 से सत्ता से बाहर है और उसे वहां एक करिश्माई नेतृत्व की जरूरत है। प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में पहली परीक्षा 2022 के विधानसभा चुनावों में होगी। तो इससे पहले कांग्रेस और प्रियंका इस साल होने वाले पंचायत चुनावों के दौरान अपना आधार बनाने का एक अवसर मिलेगा। और राजू श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से। राजू, किस तरह की तैयारियां वहां पर प्रियंका गांधी के आने को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो एक कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेना है, लेकिन राजनीतिक मतलब भी इस दौरे के निकाले जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं प्रियंका उसी राह पे चल पड़ी हैं जिस राह पे 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चले थे। राहुल गांधी भी थी किसी तरीके से पूर्वांचल के दौरे कर रहे थे। अब मिशन 2022 कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की सीटें उनके पास आए, इसलिए पूर्वांचल में कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका को आगे करके, प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे चल रही है। ऐसे में अगर बात करें तो आज लगभग 12:30 बजे के करीब वो वाराणसी पहुंचेंगी और संत रविदास मंदिर जाएंगी, जहां मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी, वहीं वहां के प्रसाद को भी ग्रहण करते नजर आएंगी। उसके बाद जो रविदासी हैं उनसे मिलेंगी। कहा जाता है कि विदेशों से भी जो रविदासी हैं वो यहाँ पर आते हैं बाबा के दरबार में मत्था टेकने, और ये संदेश सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश विदेश तक जाएगा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने में लगी हैं, और कहीं ना कहीं मिशन 2022 ही है पूरी तरीके से मत्था टेकने के लिए मंदिर में जाएंगी। तो मिशन 2022 की रणनीति तय करती नजर आएंगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूर्वांचल में ऑक्सीजन की जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं राजू जिस तरह से दौरा प्रस्तावित किया गया है उसके तहत ये लगता भी है कि रविदास जयंती जो है कहीं ना कहीं वो एजेंडा है यहाँ पर तय किया गया है कांग्रेस के जरिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूर्वांचल में मजबूती से कांग्रेस को उतरना है उसकी रणनीति खुद प्रियंका गांधी तय कर रही, यही वजह है कि समय समय पे वाराणसी या आसपास के पूर्वांचल के इलाकों में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर रहे हैं कि ताकि मिशन 2022 जो कांग्रेस का सपना है यूपी का, उसमें फतेह पाने के लिए किसी तरह की कोई कोर कमी ना रह जाएगी। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए।